सरकार को शर्म करना चाहिए। मृत्यु काल चल ही रहा है, हमारे लोग मरी रहे हैं। आज भी सीवर सेप्टिक टैंक में चैम्बर में गिरा था, सफाई करने के चक्कर में उतारा गया उनको जबरदस्ती, उसमें गैस थी। उनने नहीं बोला कि इसमें गैस है, पहले इसको उतारे विक्रम को के उधर, उसको सफाई करके वो उतरा तो वो जाके खत्म हो गया सीधा। मना करते थे तो जबरदस्ती कुंदाते थे, वो तो सीधे भाग गए थे, कोई भी नहीं था उधर, उनकी कंप्लेन भी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे बता कैसे पालना, बहुत मुसीबत है उनको, बहुत दिक्कत में। हम किसी ने सहायता नहीं दिया था। शिविर में मौतें बंद करने सरकार ने ये बहुत बुरा कर रहा है, बहुत लोग अपना फैमिली से बिछड़ के शिविर में मौत हो जा रहा है। सरकार से ये मांग है कि मशीन से नाली साफ करवाया जाए, आदमी जंतु से नहीं, सरकार से शिविर से मौत बंद करना चाहिए, इसलिए हम लोग नारा देने आए हैं। तो सरकार आए ना, हम दिखाते हैं उनको कहां पर आदमी घुस के काम कर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं ना। मैं समाज कल्याण से कुछ लेकर के कुछ बिजनेस करे या कुछ भी अपना मुर्गी पालन बकरी पालन, वो कहां से ले, कोई योजना नहीं ले सकता। सरकार कर्मी को पूरा हाथ पैर गला काट के रखी है सरकार ने। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर भारी संख्या में नीली पट्टी के साथ जय भीम के साथ जो है यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग मौजूद है। ये सभी SC ST से आते हैं और एक मांग के साथ उपस्थित हुए हैं कि शिविर में जो मौत होती है उसे बंद करो, सरकार जो है शिविरों की सफाई ना मशीन से कराए, इंसानों से नहीं, क्योंकि उसमें जाने के बाद कई लोगों की मौत होती है। आंदोलन में महिला पुरुष बहुत दिखते हैं, लेकिन इस बार आप देख पा रहे होंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर के साथ ये बच्चे खड़े हैं। एक बच्चा इससे भी छोटा है, एक बच्चा ये खड़ा है। आप जानते हो इनको, कौन है ये? ये बाबा साहब अंबेडकर है। हाँ, यहाँ पर तुम क्यों आए हो? शिविर में मौतें बंद करने सरकार ने ये बहुत बुरा कर रहा है। हाँ। बहुत लोग अपना फैमिली से बिछड़ के शिविर में मौत हो जा रहा है, इसलिए हम लोग नारा देने आए हैं। सरकार से मांग कर रहे हो कि जो शिविर की सफाई हो रही हो मशीन से हो, इंसान हाँ। से ना करवाया जाए। हाँ। सोचिए इस बच्चे को, मतलब बच्चे की आवाज़ सुन पा रहे हैं आप किस तरीके से, ये जो है इसके समझ पा रहे हैं कि सरकार जो है मशीन से सफाई कराए, इंसान से ना कराए। और शिविर में जिस तरीके से मौतें हो जाती है, लोग अपने घर से बिछड़ जाते हैं। और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से ये मांग है कि मशीन से नाली साफ करवाया जाए, आदमी जंतु से नहीं, तो इसलिए हम लोग को सरकार से शिविर से मौत बंद करना चाहिए। आप इनके पिता हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रोटेस्ट मतलब किन मांगों के साथ यहाँ पे आए हैं? देखिए, हमारा तो मांग एक ही है कि सरकार को शर्म करना चाहिए कि आज हम लोग अमृत महोत्सव में हैं, अमृत महोत्सव में हैं, लेकिन आज भी हमारा मतलब मृत्यु काल चल ही रहा है, हमारे लोग मर ही रहे हैं आज भी सीवर सेप्टिक टैंक में। तो हमारा सरकार से बस एक ही मांग है, सीवर में मौतें बंद करो। धरना प्रदर्शन हमारा जो ये है, शिविर में मौत बंद करो, बस यही हमारा एक मांग है सरकार से। और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार कहती है कि मशीन बन रहे हैं, मशीनों से भी सफाई की जाती है। तो सरकार आए ना, हम दिखाते हैं उनको कहां पर आदमी घुस के काम कर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं ना। सरकार को सब पता है, जब गटर में उतारना रहता तो हमारे लोग के पास आ जाते हैं। अब जैसे हमारे पास मूलभूत सुविधा, सवाल ये है कि अगर आप जाएंगे नहीं, जाने से मना कर देंगे तो जबरदस्ती थोड़ी उठा के गटर में डाल देंगे? उठा के गटर में जबरदस्ती नहीं डालते, उनको सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि वो वही काम करेंगे। अब जैसे जाति, अब हमको सरकार से कोई चीज़ चाहिए। हाँ। तो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है। अगर मान लीजिए वो मैं समाज कल्याण से कुछ लेकर के कुछ बिजनेस करे या कुछ भी अपना मुर्गी पालन बकरी पालन, वो कहाँ से ले, कोई योजना नहीं ले सकता। सरकार कर्मी को पूरा हाथ पैर गला काट के रखी है सरकार ने। जाति प्रमाण पत्र दूसरा काम देते ही नहीं। जी जी, दूसरा काम कहाँ, फिर लोग तो पढ़ के भी वही करेंगे। स्कॉलरशिप नहीं है, ख़त्म है सारा चीज़ हम लोग का, जाति नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं तो कुछ भी नहीं है। झारखंड से हम लोग रांची से आए हैं, इतनी दूर से, दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर आए हैं। आप तस्वीर लेकर खड़ी हैं, कौन है ये? ये मेरे पति हैं। तो इनकी तस्वीर लेकर आप क्यों खड़ी हैं, क्या हुआ बोलो? इसलिए आए हैं कि नौकरी मिल जाए परमानेंट, सरकार से कुछ भी मुनाफा नहीं मिला। ये स्वर्गवास हो चुका है इनका। हाँ, क्यों, कैसे, क्या हुआ था? इनको 15 जून को गैस लग गई थी। आप भी, ये कौन है? मेरा बेटा, मैं ग्वालियर से आई हूँ और मिला। हाँ। मेरा बच्चा चैम्बर में गिर गया था।
और जबरदस्ती पटका गया। पहले विक्रम गिराजे, फिर कहीं उसको निकालो, मेरे बच्चे को पटक दिया जबरदस्ती, और काम वाले भाग गए, ठेकेदार सुपरवाइजर, उनने पानी भी नहीं डाला और गाड़ी लेके भाग गए, और मेरे बच्चे को नहीं निकाला, मेरे बच्चे ने खुद के ने घर के ने निकाला, बड़े वाले ने, फिर भाग गए। वो क्या होता, मेरा बच्चा खत्म हो गया उसमें, मेरा कन्या धन्य वाला कोई नहीं है, यही बच्चा है मुझे, और इसको नौकरी चाहिए विक्रम की पत्नी को, मेरे बच्चे को। ये कौन से चैम्बर में, किस तरीके से, क्या ग्वालियर में चैम्बर में गिरा था, सफाई करने के चक्कर में उतारा गया उनको जबरदस्ती, जबरदस्ती उसमें गैस थी, उनने नहीं बोला कि इसमें गैस है, पहले इसको उतारा विक्रम को, उधर उसको सफाई करके वो उतरा तो वो जाके खत्म हो गया सीधा। मना करते थे तो जबरदस्ती कुंदाते थे, फिर मेरे बच्चे को उतारा जबरदस्ती कि जाओ उसको निकाल के ला, उस वो भी गया तो वो भी खत्म हो गया उसको। और उसके बाद जिन लोगों ने उतारा था उन्होंने छोड़ के भाग लिया, भाग गए वो लोग, फिर हमारे घर के बच्चों ने निकाला, वो तो सीधे भाग गए थे, कोई भी नहीं था उधर, उनकी कंप्लेन भी नहीं हुई। श्याम तोमर तो भाग गया था टैंक लेके, उन्होंने पानी भी नहीं डाला उसमें। सरकार से कोई सहायता मिली आपको? बस कुल वो दे गए थे 10 लाख, और कुछ नहीं, नौकरी वोकरी की कोई वो नहीं है। सरकार ने कुछ आश्वासन दिया, सहायता दी, नौकरी की बोला था, पर अभी सुनवाई नहीं है, कुछ कोई सुनवाई नहीं है। कब की घटना है ये? जे 15 जून की, अभी जे 15 जून निकल गई है। हाँ। बताइए, ये साक्षात जो आप देख पा रहे होंगे उदाहरण है, ये जो लोग सफाई करते करने के लिए उतरे थे, मशीनों में दावे किए जाते हैं मशीनों से सफाई हो रही है, ये उसमें उनकी जान गई है, एक को जबरदस्ती उतारा गया, जाने से मना किया फिर भी दोबारा उनको जबरदस्ती भेजा गया, निकाल दिया गया, और जब उनकी मौतें हो गई तो उसके बाद जो है, देखिए यहाँ पर एक दो कहानियाँ नहीं है, और भी कई तस्वीर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर 3 तस्वीरें और है। क्या हुआ है, कौन है ये और क्यों पोस्टर लेके, क्या हुआ था ये? खत्म हो गए, किस तरीके सरकार ने कोई मदद की, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं थी, टैंक वाले टैंक करवे गए थे तो टैंक में गिर गए ये बच्चा है। किसी ने सहायता नहीं की? कुछ सहायता नहीं की, ये हमारा बच्चा है, हमको नौकरी चाहिए। क्या हुआ था आप थोड़ा विस्तार से समझाइए इनके साथ, क्या हुआ? मैं उस समय बहुत छोटा था तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। कब की घटना है ये? 2012 की घटना है। ये दोनों अलग अलग तस्वीर लग रही है मुझे, ये भैया है, ये पापा है, दोनों की एक साथ मौत साथ में हुई है। कुछ पता होगा ना कैसे क्या हो गया था? बहुत छोटा था तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। आपके साथ क्या हुआ था, ये कौन है? मेरे पति है। क्या हुआ था इनके साथ? सिवर में मौत हुई इनकी, सिवर में। हाँ। कब की घटना है? 7 साल हो चुके। किसी ने आपको सहायता दी, सरकार ने कोई आश्वासन? किसी ने सहायता नहीं दिया था, पंजाब में हुए थे। घर में कितने लोग हैं? बच्चे हैं हम। घर कैसे चलता है, आप क्या करती हैं? मजदूरी करते हैं। किसी ने कोई सहायता नहीं? नहीं, किसी ने नहीं दिया। 4 लाख रुपया मिला था, वो कर्जा होता उसे दे दिया जिसका था। ये बच्चे हैं आपके? पहले लड़का है, लड़की है। उसकी सफाई की चैंबर, क्या पापा को क्या हो गया था पता है तुम्हें? सीवर में गिर गए। बच्चे की आंख में आंसू है, देखिए कैसे रो रहा है बच्चा, रो रहा है। जल्दी से जाओ, उसको चक्कर आ गया, जल्दी। ये कि कितने के उस टाइम ये कितने साल के थे? लड़की थी हमारी 1 साल की, लड़का था जब 6 साल का। आंखों में आंसू देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है बच्चा रो रहा है। 6 साल का बच्चा 6 साल की उम्र में अपने पिता को खो देता है, क्योंकि सिवर में सफाई करते हुए उसके पिता की मौत हो जाती है। कितनी दर्दनाक कहानी है। पत्नी है, रो रही है, आंखों में आंसू है, जंतर मंतर पर तस्वीर लेकर जो है आई हैं, न्याय की गुहार लगाने आई हैं। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों कहानियाँ हैं, उससे भी ज़्यादा कहानियाँ हैं। सरकार कहती है कि मशीन लाएंगे, मशीन से सफाई होगी, लेकिन गठन ने आज तक कुछ दिया ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे बता कैसे पाले, बहुत मुसीबत है उनको, बहुत दिक्कत में हम। मेहनत मजदूरी कर का पेट पालते हैं अपना। साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से, एक कहानी ये भी है जिसमें भाई, बड़ा भाई और पिता दोनों की मौत हो जाती है इसी सफाई में, और ये जो बच्चा है
ये बता रहे हैं कि जब ऐसी घटना हुई तब हम बहुत छोटे थे, हमें पता ही नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। ये कहानियाँ दो चार नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पर आप और भी छोटे बच्चों को देख पा रहे होंगे, जय भीम के नारे लगा रहे हैं और न्याय की गुहार के साथ जो है जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो शिविर में इंसानों द्वारा जो सफाई कराई जाती है उसको बंद करके मशीन उपलब्ध कराई जाए, मशीन से सफाई कराई जाए। अगर भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुँच सकता है, इतना बड़ा भारत को इतनी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, तो भारत के पास इतनी काबिलियत है कि वो मशीन बनाए और मशीन से गटर के नाले की सफाई करे और इंसान को जो है मौत के मुंह में ढकेलना बंद करे। सरकार ये कर सकती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ड्यूटी के लिए जनहित आवाज़।